केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह एनडीए समर्थित भाजपा के आरा लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान जगदीशपुर प्रखंड के पूर्वी आयर पंचायत पहुंचे, जहां पूर्वी आयर पंचायत के मुखिया प्रियरंजन उर्फ डब्लू सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। मुखिया प्रियरंजन सिंह उर्फ डब्लू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं से स्वागत किया। वहीं मुखिया ने अंगवस्त्र देकर केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री सोमवार को जगदीशपुर प्रखंड के कौरा, हरिगांव, तुलसी, दुल्हनगंज, बरनाव, आयर, पूर्वी आयर, ककिला और तेंदुनी सहित कई गांवों में जाकर मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, जहां आरा लोकसभा क्षेत्र के राजग गठबंधन समर्थित भाजपा प्रत्याशी आर के सिंह ने कहा कि हमारे दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन हैं, ये दोनों हमेशा दुश्मन रहेगा। दुनिया में भाईचारा और सही गलत नहीं चलता है, दुनिया में खुद चलता है तो सिर्फ ताकत और शक्ति। शक्तिशाली देश अपना खुद रक्षा करता है और जो कमज़ोर देश रहता है उस पर शक्तिशाली देश कब्जा कर लेता है, इसलिए ताकतवर बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली बना है। भारत के लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ के लोग इज्जत और काफ़ी मान सम्मान देते हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश को सर्वसंपन्न, विकसित और विश्व में शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है। ये बातें सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने पूर्वी आयर पंचायत के आयर गाँव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। श्री सिंह ने आगे कहा कि दुनिया के पांचवें अर्थव्यवस्था में शामिल है और समृद्ध शक्ति भी है। इस बार जीते तो भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं। भ्रष्ट लोगों को केंद्र में नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में नहीं रखते हैं। मैं उनके कैबिनेट का हिस्सा हूं। भ्रष्टाचार करने वालों से हम लोग लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार करने में कई मंत्री लोग जेल गए, इसलिए ईमानदार सरकार को चुनिए। इस मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा प्रवक्ता सुषमलता कुशवाहा, महामंत्री पूनम कुशवाहा, जदयू अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुमताज वारसी, मिथिलेश कुशवाहा, मंजी चौधरी, प्रहलाद राय, विवेक सागर, अनुप पटेल, संध्या सिंह और नागेंद्र केसरी सहित अन्य मौजूद रहे। अब दोनों दुश्मन रहेगा। दुनिया में सब भाईचारा और कुछ नहीं चलता है, सही गलत नहीं चलता। दुनिया में सिर्फ एक ही चलता है, ताकत, शक्ति। कौन देश शक्तिशाली है, कौन देश नहीं है। जो शक्तिशाली है वो अपने हित का रक्षा करता है, अपना रक्षा करता है, अपने हित का। जो कमजोर है उसका हित पर, उसके समझदारी पर दूसरा देश कब्जा करता है। तो ताकतवर बनना जरूरी है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने देश को ताकतवर बनाया। आज हम दुनिया के पांचवें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है और पांचवें सबसे बड़ी शक्ति भी है, सामरिक शक्ति। फिर जीतेंगे तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। ईमानदार है नरेंद्र मोदी, ईमानदार है, उनके सभी मंत्री ईमानदार है। 10 लोगों को अपने कैबिनेट में नहीं रखा, मैं उनके कैबिनेट में साथ था। हम लोग की ईमानदार सरकार। हाँ, एक और हम लोगों ने बदलाव किया। पहले क्या होता था कि कोई राज्य में भ्रष्ट सरकार आता था, भ्रष्टाचार करता था, कुछ बिल्कुल नहीं होता। अब आप देखते होंगे किसी कोई राज्य का मंत्री चला गया जेल, भ्रष्टाचार में पैसा निकला चला गया। कोई मुख्यमंत्री चला गया जेल, भ्रष्टाचार में गया, ऐसे नहीं गया, कोर्ट से बेल नहीं मिलता। देश भर में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और साथ ही साथ गरीबों के लिए, कल्याण के लिए कितना काम हम लोग करते हैं। हम लोगों ने हर गरीब के लिए मकान बनाने का स्वर्ग किया। 3 करोड़ मकान हम बना सकते हैं। पक्का मकान है 2.25 लाख। हर गरीब के घर में हम गैस का कनेक्शन देते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं, नल से जल देते हैं। हर गरीब को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देते हैं। हर गरीब के लिए 5 किलो अनाज देते हैं। हम लोग करते हैं, हम लोग एक तरफ, दूसरी तरफ निर्णय आपको करना होगा। क्या निर्णय है बताइए, कौन बेहतर होगा? नरेंद्र मोदी बेहतर होंगे कि वो लोग बेहतर हो रहे हैं?
हाथ मिला के बोलिए भारत देश का चुनाव इसलिए है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह चुनाव ये तय करेगा, उसी के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये मुखिया का चुनाव नहीं है नकली पानी चल रही है कि भारत में कौन प्रधानमंत्री रहे ये समझिए। कोई यहाँ का कैंडिडेट या वहां का कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं। अगर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने तो भारत का भविष्य एक तरह का। अगर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं बने और कोई दूसरा बन गया तो दूसरे तरह का, तो देश का भविष्य सवाल का। दूसरा कौन बनेगा ये कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम है नहीं। आपस में ही तय नहीं किया कि अगर इंडी गठबंधन ही लोग ये गठबंधन बनाया, गठबंधन एक तीसरी बात ममता बनर्जी पार्टी बात ही नहीं थे भाई समाजवादी पार्टी आधा बात शरद पवार की पार्टी बात तमिलनाडु के पार्टी और अध्यक्ष स्टालिन वो है। आपस में तय नहीं कर पाए कि अगर वो लोग जीते तो प्रधानमंत्री कौन बने। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ हम लोग का गठबंधन है। हम लोग का गठबंधन एनडीए उसको कहते हैं, उसमें भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता